स्टूडेंट्स, आई एम व्यास यूबी योर बायो टीचर। बायोलॉजी के सपनों की दुकान में आपका स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट क्या है? ये लीजिए, तो देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टैंडिंग क्रॉप। जब मैं स्टैंडिंग क्रॉप की बात करता हूं तो देखो, स्टैंडिंग मींस प्रेजेंट, क्रॉप क्रॉप के मींस होता है वैसे तो फसल, बट आपको लेना है वेजिटेशन, टोटल वेजिटेशन। क्रॉप का मतलब हो गया टोटल वेजिटेशन, प्रेजेंट इन एन पर्टिकुलर एरिया और लैंडस्केप। अब देखो, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं टोटल बायोमास प्रेजेंट इन एन एरिया। ये लीजिए, यानी अगर स्टैंडिंग क्रॉप बहुत बढ़िया फ्लोरिश कर रही है तो वहां का बायोमास भी कैसा होगा? अच्छा। जब मैं कहता हूं बायोमास, इसका मीनिंग होता है जो ऑर्गेनिज्म है या जो प्लांट्स हैं उनका लिविंग स्टेट में कुल वेट कितना है, इसको मैं बोलता हूं बायोमास। ठीक। अगर सेकंड नंबर पे बात करूं स्टैंडिंग स्टेट, तो स्टैंडिंग स्टेट का मीनिंग आप लेना मिनरल रिचनेस इन सॉइल के लिए, मिनरल रिचनेस इन सॉइल। यानी एक पर्टिकुलर सॉइल में मिनरल का अमाउंट क्या है, इसको मैं बोल देता हूं स्टैंडिंग स्टेट, यानी प्रेजेंट टाइम में वहां कितना मिनरल प्रेजेंट है जिसकी वजह से एक प्लांट फ्लोरिश करेगा, ग्रो करेगा। अगर मिनरल रिचनेस अच्छी होगी तो वहां की स्टैंडिंग क्रॉप भी बहुत बढ़िया होगी। देखिए, ये दो एरियाज हैं, इस यह एरिया वन और दूसरा एरिया है बी। ये लीजिए बी, यानी एक लैंडस्केप है ए और दूसरा लैंडस्केप है बी। सपोज करो यहां स्टैंडिंग स्टेट पुअर है, कैसी है? पुअर। और यहां स्टैंडिंग स्टेट कैसी है? रिच। इसका मतलब यहां मिनरल का अमाउंट, मिनरल अमाउंट कैसा है? कम। और यहां मिनरल अमाउंट इन सॉइल कैसा है? अच्छा, गुड, रिच। अब अगर यहां कोई वेजिटेशन उगेगी, सपोज करो यहां एक वेजिटेशन ग्रो कर रही है, ये लीजिए, ये लीजिए, यहां अगर कोई वेजिटेशन ग्रो करेगी बहुत अच्छी फ्लोरिश करेगी, ये लीजिए। अब यहां देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्लांट्स स्केटर्ड है, बहुत दूर दूर है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ये डेजर्ट, और ऐसा लग रहा है इस वाले को देख करके कि जैसे ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यानी यहां जहां पे मिनरल रिचनेस अच्छी है, यानी स्टैंडिंग स्टेट बढ़िया है, वहां पे प्लांट भी बहुत अच्छे फ्लोरिश कर रहे हैं। और यहां अगर देखोगे तो बायोमास भी कैसा होगा, यहां का बायोमास ज्यादा होगा। और अगर इधर का आप देखेंगे तो बायो मास कैसा है? कम। यानी दूसरे रूप में मैंने बोल दिया, यहां स्टैंडिंग क्रॉप कैसी है? पुअर। और यहां स्टैंडिंग क्रॉप कैसी है? गुड। ठीक। तो ये बात रही स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। तो आपको स्टैंडिंग क्रॉप जब कहे तो आप इससे मीनिंग लेना
total biomass present in an landscape या geographical area या एक particular आप ये कह लें कि soil में, और जब कहे standing state तो इसका meaning जो आप लेना total amount of mineral present in an particular soil और particular geographical area या particular मैं कहूँ landscape, ठीक, जहाँ की standing state अच्छी होगी वहाँ standing crop भी कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक। standing crop आप कैसे देख सकते हैं, biomass से। अगर biomass अच्छा है तो इसका मतलब क्या है, standing crop बहुत अच्छी है, और अगर स्टैंडिंग क्रॉप अच्छी है तो इसका मतलब नेचुरली क्या है, उस वो सॉइल कैसी है, बहुत ज्यादा फर्टाइल है। जब स्टैंडिंग स्टेट बहुत अच्छी होगी इसका मतलब सॉइल कैसी है, फर्टाइल, ठीक। तो ये बात रही तो जो मैंने बोला स्टैंडिंग क्रॉप एंड स्टैंडिंग स्टेट। फिनिश, नेक्स्ट देखते हैं ऑर्थोडॉक्सी एंड रिकैल्सिटेंसी। ऑर्थोडॉक्स एंड रिकैल्सिटेंसी, अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर देखिए, अगर आप सीड्स की बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो उसने वैसे ही बोल दिया है कौन सा, ऑर्थोडॉक्स एंड सेकंड रिकैल्सिट्रेंट। देखो इनमें क्या डिफरेंस है, ये लीजिए रिकैल्सिट्रेंट, ऐसे सीड जो लो टेम्परेचर पर प्रिजर्व किए जा सकते हैं, और इस प्रिजर्वेशन को मैं बोलता हूं क्रायो प्रिजर्वेशन, उनको मैं बोलता हूं क्या, ऑर्थोडॉक्स सीड्स, ठीक। मींस कुड बी प्रिजर्व एट लो टेम्परेचर एंड दे कैन टॉलरेट ड्राइनेस, और ये ड्राइनेस को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। अगर मैं रिकैल्सिट्रेंट सीड की बात करूं, कांट प्रिजर्व इन लो टेम्परेचर एंड कुड नॉट टॉलरेट ड्राइनेस, not tolerate dryness, जबकि ये dryness को क्या कर सकते हैं, tolerate। अब अगर आप इनके example देखेंगे तो देखिए मैं example बोलता हूँ, आपकी NCERT 12th में reproduction in flowering plants में दिया हुआ है orthodoxy, इनके example हैं, एक तो phoenix टाइली फेरा, ये आपको किंग हेरोड पैलेस डेड सी के पास मिले थे, और इनकी एज थी कितनी, 2000 ईयर, ठीक। दूसरे मिले थे लुपाइनस के सीड, ये मिले थे टुंड्रा रीजन में या टुंड्रा आर्कटिक, तभी इसका नाम पड़ा है लुपाइनस आर्कटिका, और इस सीड की जो एज थी वो 10,000 ईयर, यानी ये लो टेम्परेचर पे ये 2000 साल तक और ये 10,000 साल तक कैसा रहा, प्रिजर्व, और जब इसको ग्रो किया गया तो इजी वे में क्या हो गया, ग्रो करके एक प्लांट बना। मैं बोलूं recalcitrant seed means can't preserve in low temperature, low temperature पे आप इनको preserve नहीं कर सकते, और ये dryness को भी tolerate नहीं कर सकते, और इसके example हैं जैसे मैं कहूँ लीची या maize, इनको low temperature पे preserve नहीं किया जा सकता, इसीलिए इनको कहते हैं recalcitrant seed। अगला क्वेश्चन देखेंगे आर्टिफिशियल सीड्स, तो देखिए अगर मैं बात करूं किसकी, आर्टिफिशियल सीड, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
मैं एक टिश्यू कल्चर करता हूँ, ये देखिए ये एक सेल है, इस सेल को मैंने कल्चर मीडियम में कल्चर किया हुआ है, दिस वन इज द कल्चर मीडियम, और मैं इसी को बोलता हूँ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, एंड दिस वन इज द सेल जिसको मैं कल्चर कर रहा हूँ, इसको बोलता हूँ एक्स प्लांट, यानी जिस सेल या टिश्यू को आप कल्चर कर रहे हैं उसको कहा जाता है एक्स प्लांट, ठीक। ये मेरिस्टमैटिक सेल भी हो सकती है एंड पैरेन्काइमेटस सेल भी हो सकती है, ठीक, बट जनरली कोलेनकाइमा और स्कलेनकाइमा सेल नहीं होती। अब अगर आप इसको कल्चर करेंगे तो ये लीजिए, इसका फॉर्मेशन हुआ एक कैलस का, यानी सेल डिवाइड हुई, और डिवाइड होने से ये देखिए मास ऑफ सेल्स विच आर अनडिफरेंशिएटेड, ना तो आप ये कह सकते हैं कि ये पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्कलेनकाइमा है, इस तरह का कोई आप टर्म यूज नहीं कर सकते। ये मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है जिसको मैं कहता हूं कैलस, दिस वन इज द कैलस, ये कैलस है, ठीक। अब इस कैलस को मैं क्या काम करूं, अगर कैल्शियम एल्जिनेट की कवरिंग से इसको कवर कर दूं तो ये बन जाएगा आर्टिफिशियल सीट। ये लीजिए मैंने क्या काम किया, इस एक्स प्लांट को कल्चर करके जो कैलस बना उसको मैंने क्या काम कर दिया, एक कैल्शियम एल्जिनेट की कवरिंग चढ़ा दी, दिस वन इज द कवरिंग ऑफ कैल्शियम एल्जिनेट, ये लीजिए कैल्शियम एल्जिनेट क्या है कवरिंग, दिस वन इज नाउ कॉल्ड आर्टिफिशियल सीट, आर्टी Artificial seed। अब आप क्या काम कर सकते हैं, यू कैन स्टोर इन लो टेम्परेचर टिल प्लांटेशन, जब तक आप इसको प्लांट नहीं करते तब तक आप क्या काम कर सकते हैं, इसको एक लो टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको इसको प्लांट करना हो यानी इसके लिए कंडीशन फेवरेबल हो, कई प्लांट ऐसे होते हैं जो किसी भी सीजन में ग्रो नहीं किए जा सकते। सपोज करो मैं कहता हूं कि ये जो मैंने कैलस बनाया हुआ है या कैलस से फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया आर्टिफिशियल सीड में, ये मस्टर्ड का है, सपोज करो मस्टर्ड का है, तो मस्टर्ड को तो मैं रेनी सीजन में सो नहीं कर सकता, बो नहीं सकता, यानी जब अटमन सीजन आएगा तभी मैं क्या काम करूंगा, इसको सॉयल में प्लांट कर सकता हूं। तो जब इसका फेवरेबल सीजन आए तो आप क्या काम करेंगे, इसकी कैल्शियम एल्जिनेट की कवरिंग को अपन रिमूव कर सकते हैं। ये लीजिए ये सीड था आर्टिफिशियल सीड जिसके अंदर क्या है, ये कैलस प्रिजर्व्ड है या प्रोटेक्टेड है। जब इसको बोना होगा तो मैं क्या काम करूंगा, कैल्शियम एल्जिनेट की कवरिंग को मैं रिमूव कर दूंगा, और रिमूव करने के बाद ये लीजिए ये जो कैलस था एक्सपोज हो गया। अब इसमें मैं क्या काम करूंगा, ऑक्सिन ए से AUXIN ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन का एक प्रॉपर रेशियो रखूंगा जिसमें से इसमें प्लेम्यूल एंड रेडिकल डेवलप हो जाएंगे, देन इसको मैं प्लांट कर दूंगा सॉइल, प्लांटेड इनटू सॉइल, ये लीजिए अब क्या हो जाएगा आपका प्लांट रेडी है। लीजिए ये बात रही किसकी, आर्टिफिशियल सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोर स्टेबल इकोसिस्टम है, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है सिंपल फूड चेन, सेकंड कॉम्प्लेक्स फूड वेब, सिंपल फूड वेब, ग्रेजिंग फूड चेन। देखिए इसका आंसर है कॉम्प्लेक्स फूड वेब। मैं यही एक
स्टेटमेंट लिखता हूं, मोर कॉम्प्लेक्स इज फूड वेब मोर स्टेबल इज इकोसिस्टम। अगर फूड चेन है वो इतनी ज्यादा इंटरवोवन हो गई है, जिससे क्या बना हुआ है, फूड वेब, और वो फूड वेब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो इकोसिस्टम भी कैसा होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, ऊपर वाले क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिए हैं इसलिए मैं उनको वाइप कर देता हूँ। चेन आपको दिखा रहा हूं, पहले उसने बोला है सिंपल फूड चेन, तो मैं एक सिंपल फूड चेन दिखा देता हूं। प्रोड्यूसर, इस प्रोड्यूसर में क्या होंगे, ग्रीन प्लांट्स, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे हर्बी बोर्स, और हर्बी बोर में मैं मेंशन कर देता हूं, सपोज करो ये क्या है, ग्रास होपर, ठीक। इसके बाद आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर में मैं लिख देता हूं फ्रॉग। इसके बाद आएंगे टर्शियरी कंज्यूमर, एंड टर्शियरी कंज्यूमर में है स्नेक, और इसके बाद क्या जाएंगे, टॉप कंज्यूमर, और टॉप कंज्यूमर में है हॉक, ठीक। इसकी स्थिति देखिएगा, सपोज करो जो ये प्राइमरी कंज्यूमर थे जिनको मैंने बोला है हर्बीवोर, इनमें से एग्जांपल मैंने दिया ग्रास ओपर, अगर किसी कारणवश आप पेस्टिसाइड का यूज करें या आप कुछ भी कर दें और ये किसी भी कारणवश क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट, गायब हो जाए, किल हो जाए, तो इसका मतलब देखो फ्रॉग विल नॉट सर्वाइव, फ्रॉग सर्वाइव नहीं करेगा, तो स्नेक भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फिर हॉक भी सर्वाइव नहीं करेगा, और इधर ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, एक्सप्लॉइट ना कहकर मैं कहूं बहुत ज्यादा फ्लोरिश हो जाएंगे, एक्सप्लॉइट एक अलग चीज हो गई, यानी प्लांट की ग्रोथ बहुत एबनॉर्मल हो जाएगी, और ग्रास होपर की वजह से फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक ये एक्सटिंक्शन की स्टेज पर पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो ज्यादा ठीक नहीं है। दूसरा, मोर कॉम्प्लेक्स वेब, चलिए मैं एक फूड वेब को कॉम्प्लेक्स बना देता हूं, सेम वही मैं कह रहा हूं, ये क्या है, प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स, ये लीजिए ग्रीन प्लांट से, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, और प्राइमरी कंज्यूमर में मैं सेम वही करता हूं, ग्रास ऊपर, सेकेंडरी कंज्यूमर में करता हूं वही सेम फ्रॉग, टर्शियरी कंज्यूमर में वही स्नेक, एंड टॉप कंज्यूमर में वही क्या है, हॉक, ठीक। पहले वाली सिंपलेस्ट फूड चेन को मैंने कॉपी कर दिया है, यहां प्राइमरी कंज्यूमर रैट भी हो सकता है, रैबिट भी हो सकता है, बर्ड्स भी हो सकती हैं, सही है, यही डियर भी हो सकता है, ठीक। अब देखिएगा, यहां प्रोड्यूसर से एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है वो किस किस में हो रही है, डियर में, ग्रास ओपर में, रैट में, रैबिट में, बर्ड्स में। अब ये जो स्नेक है वो रैट को भी कंज्यूम कर सकता है, रैबिट को भी कंज्यूम कर सकता है, और बर्ड्स को भी कंज्यूम कर सकता है। अगर हॉक
बात करेंगे तो हॉक डायरेक्ट देखो किसको कंज्यूम कर सकता है, रैट को, रैबिट को, और बर्ड्स को मैं नहीं लिख रहा। आप सोचोगे कि बर्ड्स बर्ड्स को ईट अप कर रही है, वैसे करती हैं, बट ज़्यादा कोई मैं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाह रहा। अगर आप डियर की बात करोगे तो देखो टाइगर, लायन, ठीक। अब यहाँ पे एक बात देखिएगा कि अगर किसी कारणवश मैं कहता हूं कि यहां से फ्रॉग, इस फूड चेन से फ्रॉग एलिमिनेट हो जाए, ये लीजिए किसी भी कारण से, तो इसका मतलब स्नेक एक्सटिंक्ट नहीं होगा। बिकॉज अगर फ्रॉग उस इकोसिस्टम में नहीं है तो वो एनर्जी फ्रॉग से ना लेकर के रैट से भी ले सकता है, रैबिट से भी ले सकता है। तो देखो उसके पास अदर ऑप्शंस प्रेजेंट है। सपोज करो मैं कहता हूं स्नेक किसी भी रीजन से क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, ठीक। तो देखो ये हॉग डायरेक्टली रैट से रैबिट से भी क्या ले सकती है, न्यूट्रिशन। का मतलब ये जो मैंने फूड चेन बनाई है ये फूड चेन बहुत बढ़िया स्टेबल रहेगी। बट ये अब फूड चेन अकेली नहीं है, अब मैं इसको कहूंगा ये मेनी फूड चेन्स इंटरवोवन, आपस में क्या हो गई, गुथ गई हैं, उलझ गई हैं, और बहुत बढ़िया तरीके से कई वे हैं देखो इसमें एनर्जी ट्रांसफर के। यानी ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको ईट अप करने वाले कैसे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर वैरायटी ऑफ है। जब वैरायटी ऑफ है तो केवल ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी फ्रॉग को ही ट्रांसफर करेंगे, वो एनर्जी सीधे देखो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, सीधे टॉप कंज्यूमर को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये इकोसिस्टम बहुत बढ़िया स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर अगला बोल रहा है सिंपल फूड वेब, मान लिया मैं इसी को और सिंपल कर दूं, यहां से इस स्नेक के लिए इतने सारे ऑप्शन ना रखूं, मैं केवल रैट ही रखूं, तो देखो अब क्या हो जाएगा, अब इस स्नेक के पास या हॉक के पास केवल रैट ही है, और अगर रैट किसी कारणवश क्या हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं, इंडेंजर्ड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने आंसर टिक किया है कि जो फूड चेन एक इंटरवोवन होकर के जितनी कॉम्प्लेक्स फूड वेब बनाएगी वो उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। तभी मैंने लिखा है मोर फूड वेब मोर स्टेबल इज द इकोसिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगले क्वेश्चन है, देखिएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू कंपोज्ड अप ऑफ, देखिए अगर आप बेसमेंट की बात करेंगे, जैसे मैं कहूं कि दिस वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, ये एक एपिथेलियल टिश्यू है, ये लीजिए, एंड इधर क्या होगी बेसमेंट, ये प्रेजेंट है नीचे की तरफ, ये क्या है एपिथेलियल सेल्स, मान लिया कॉलमनर सेल्स हैं, नीचे प्रेजेंट है बेसमेंट। ये बेसमेंट एक्चुअली होती किस लिए है, ताकि इस एपिथेलियल टिश्यू को फिक्स रखे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें एधेरिंग प्रॉपर्टी यानी की प्रॉपर्टी, बूंद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि इनको आराम से क्या रखे, चिपकाए रखे। यानी जब भी मैं बात करूंगा बेसमेंट मेम्ब्रेन की, और बेसमेंट में मैं बात कर रहा हूं कि कुछ सब्सटेंस कैसे होनी चाहिए, एडहेसिव नेचर की, जो क्या काम कर सके, इन एपिथेलियल सेल को मजबूती से चिपकाए रखे, एधेर किए रखे, पकड़े रखे। और वो एधेसिव जो है, अब अगर मैं बात करूंगा एधेसिव, तो एधेसिव आपके जो या तो है मिडिल लैमेला जो बनी है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की, और या तो फिर होगा हाइलोरोनिक एसिड एंड ग्लाइको प्रोटीन्स। ये जो हाइलोरोनिक एसिड है, दिस वन इज द हाइलोरोनिक एसिड, इस हाइलोरोनिक एसिड को आप म्यूकोपॉलीसेक्राइड भी बोल सकते हैं, क्या है
glucopolysaccharides. यानी अगर इनकी केमिकल प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो म्यूको, इस म्यूको का मतलब है म्यूसिन, और म्यूसिन क्या है, एक प्रोटीन. और यहां मैं पहले ही बोल रहा हूं पॉलीसेक्राइड्स, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक, तो चूंकि इथीलियल सेल एनिमल टिश्यू है, तो एनिमल टिश्यू में कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट तो हो नहीं सकता. ये लीजिए, ये कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट तो हो नहीं सकता, तो फिर क्या होगा, हाइलोरूनिक एसिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. और देखो, चाहे ग्लाइकोप्रोटीन बोल दो चाहे म्यूको पॉलीसेक्राइड बोल दो, क्योंकि म्यूको म्यूसिन है और म्यूसिन प्रोटीन है. जब मैं कहता हूं पॉलीसेक्राइड, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम है ग्लाइकेन्स. ठीक, तो इसका आंसर जाएगा, ये लीजिए, पॉलीसेक्राइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स. नेक्स्ट, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलिया इज फाउंड इन, ठीक, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस. तो या तो जो आपकी कॉर्नियम है आउटर मोस्ट लेयर है, या बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स में भी थोड़ा बहुत मिलता है, इसोफेगस में मिलता है, कुछ एनल कैनाल्स वगैरह है, वेजाइना है, तो अब उसमें से आंसर देख लीजिए. तो यहाँ उसने आंसर दिया है बक्कल कैविटी. स्टमक में नहीं है, स्टमक में अगर आप देखोगे तो क्या है, कोलोमनर एपिथीलिया. अगर आप इंटेस्टाइन में देखेंगे तो यहां भी क्या है, कोलोमनर एपिथीलिया. स्प्लीन मेनली बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू का मेनली. ठीक, तो आंसर हुआ क्या, बक्कल कैविटी. नेक्स्ट कर देखेंगे, स्टेटमेंट बोल रहा है मिडिल लैमेला होल्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग एनिमल्स. ये गड़बड़ बोल दिया, देखो इसने, अभी मैंने तो बोला है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, ये भी एक एडहेसिव है, ये लेकिन एडहेसिव किसमें है, प्लांट सेल में है. ये किसमें है, प्लांट सेल्स, जो दो नेबरिंग प्लांट सेल्स हैं उनको क्या करता है, एधेर करता है, आपस में फिक्स करता है, ग्लूइंग का काम करता है. तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स, ट्रू नहीं हुआ. सही, अब देखो ये जो हाइलुरोनिक एसिड है, इसको आपने पढ़ा हुआ था, जब भी कभी आए मैं कहता हूं ये दो जो एनिमल सेल हैं, ये देखिए ये एनिमल सेल्स हैं, टू एडजेसेंट सेल्स आर ऑल्सो अटैच्ड विद हाइलुरोनिक एसिड. बेसमेंट में तो है ही हाइलुरोनिक एसिड, लेकिन जो दो एडजेसेंट सेल्स हैं, जब आपने पढ़ा हुआ था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, तो टाइट जंक्शन जो थे, ये देखो मैं बोल देता हूं टाइट जंक्शन, तो इस टाइट जंक्शन में भी क्या था, हाइलुरोनिक एसिड. और हाइलुरोनिक एसिड आपने पढ़ा हुआ था कोरोना रेडियाटा, याद आया, देखो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, ये एक क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट के ठीक बाहर एक लेयर थी जोना पेलुसिडा, ये एसेलुलर लेयर थी, एंड इस जोना पेलुसिडा के आउटर एक दूसरी लेयर थी, दिस वन इज द कोरोना रेडियाटा, और कोरोना रेडियाटा सेलुलर लेयर थी, लेकिन कोरोना रेडियाटा की सेल्स आपस में जो एधेर थी या फिक्स थी या ग्लूड थी, ये देखो दिस वन इज द हाइलुरोनिक एसिड, ये हाइलुरोनिक एसिड था, ये देखो क्या है, हाइलुरोनिक एसिड. और जब इसको डिसॉल्व करना था तो स्पर्म में क्या था, हाइलुरोनिडेज. मान लिया एक स्पर्म आता है, ये लीजिए एक स्पर्म आ गया, और अगर ये पेनिट्रेट करके एंटर करना चाहता है तो पता है ये क्या रिलीज करेगा, हाइलुरोनिडेज, ताकि क्या हो जाए,
ये जो एधेसिव है ये डिजोल्व हो जाए, ये डिजोल्व हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएंगी, डिस्प्लेस हो जाएंगी, अपनी जगह से हट जाएंगी, हट जाएंगी तो इजी वे में क्या कर सकता है, ये आउटर लेयर को पेनिट्रेट करके अंदर सकता है। तो जब भी वो बोले हाइलोरोनिक एसिड या म्यूकोपोलीसेक्राइड या बोले ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्योंकि हाइलोरोनिक एसिड या म्यूकोपोलीसेक्राइड एक तरह का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन ही है, तो वो 100% क्या करेगा, दो एनिमल सेल को एडहेर करेगा या आपस में उसको टाइटली हेल्ड रखेगा, या मैं कहूं हाइलोरोनिक एसिड और म्यूकोपोलीसेक्राइड आर द एनिमल सीमेंट। ये लीजिए मैंने इनको क्या लिख दिया, जैसे मैं बोलता हूं म्यूकोपोलीसेक्राइड तो मैं दूसरा टर्म यूज कर देता हूं एनिमल सीमेंट। और अगर प्लांट में देखोगे तो जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट बोला है ये क्या है, प्लांट सीमेंट। ये लीजिए फिनिश। तो ये रहे आपके आंसर।